बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन बुधवार को हो गया। अभिनेता इरफान खान को मंगलवार को पेट के संक्रमण के बाद शहर के एक अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया। उनके प्रवक्ता ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि 53 वर्षीय अभिनेता को कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खान की 2018 में कैंसर की बीमारी से इलाज हुआ था। 25 अप्रैल को इरफान खान की मां सईदा बेगम का निधन हुआ। हालांकि कोरोना वायरस के चलते उन्होंने अपनी मां को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतिम विदाई दी थी। सिनेमा जगत में अपने योगदान के लिए इरफान खान को कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था। इरफान खान को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2012 में उन्हें फिल्म पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2004 में बेस्ट एक्टर फॉर नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 2008 में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कैंसर की बीमारी से निजात पाने के बाद 2019 में उन्होंने वापसी करते हुए अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग की, जो कि उनकी आखिरी फिल्माई गई पिक्चर है। और आज रमजान के पाक महीने में उन्होंने शहादत ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon.